एंड हियर वी हैव रीच्ड। सो हम आए हैं सावली में। राइट नाउ इट्स 6:35। प्लान तो था हमेशा की तरह 6:45 को निकलने का, बट देन आशीष और वो लोग लेट कर रहे हैं। दे टोल्ड मी कि दे विल रीच हियर बाय अराउंड 6:30 AM, बट देन इट्स ऑलरेडी 5 मिनट लेट्स। बट कोई नहीं, मौसम एकदम मस्त है, वो बात बढ़िया, बिकॉज थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश आ रही है और मैं बाइक को एक्चुअली कल वॉश करना भूल गया हूँ, उस वजह से थोड़ी बहुत गंदी दिख रही होगी आपको पीछे से। सो एनीवेज, वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। स्टार्ट करना तो मैं भूल ही गया, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि बारिश थोड़ी बहुत आ रही है। वैसे तो अपना फोकस थोड़ा बहुत वाटर प्रूफ है ही, बट देन देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। और आज मैं यूज़ करने वाला हूँ मेरा ये वाला चेस्ट माउंट फॉर सम काइंड ऑफ शॉट्स, सो लेट्स सी हाउ डज इट गोज। और आज मैंने बैग के लिए भी एक अच्छा खासा रेन कवर ले लिया है, जो मैं लास्ट टाइम इधर में भूल गया था। वैसे तो मैं बैकअप के लिए आगे फ़ोन होल्डर ला के रखा है, तो शायद जब मेरा प्रोकस हेलमेट पे होगा तो मैं लाइक मल्टीपल शॉट्स ले पाऊंगा एट अ टाइम, बट लेट्स सी। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट देन आई थिंक चला लेंगे, एज इसके ऊपर ये वाला जैकेट है, सो अगर आई कैन यू नो लाइक कवर लाइक दिस, बट देन इट्स टोटली फाइन। ना हैंड रेस्ट भी पहनने वाला था, बट देन आई थॉट चलेगा, उसे आगे जाके कहीं स्टॉप लेंगे तो वहाँ पे पहन लेंगे। सो आई थिंक इट्स रेडी। इसमें आ गया मेरा ड्रोन, एक्सटेंडर, देन प्रोकस का सामान एंड ऑल द एक्सेसरीज ऑफ माई प्रोकस, आई मीन ऑफ माई प्रोकस, देन प्रोकस रेडी, हेलमेट, ये छोटू सा सेट बैग टू गेट सम इंस्टेंट एक्सेस टू माई माउंट्स एंड स्क्रूज। जो लाइक मुझे सडनली अगर शॉर्ट्स में चेंज करना हो, लाइक इस पे लगाना या फिर बाइक पे पीछे या फिर बाइक पे कहीं पे भी आगे, सो वो सारा सामान रखता हूँ मैं इसमें। एंड दिस आर माई ग्लव्स, आई नो दिस आर नॉट द ओरिजिनल ग्लव्स, बट देन अभी समझ गए ना। वैसे आई एम ऑल सेट टू गो नाउ, फुल्ली रेडी। वैसे तो अपना प्रोकस का ये वाला केस वाटर प्रूफ है, बट देन मैंने पहले भी बोला है कि लाइक ये वाली होल की वजह से इट्स नॉट वाटर प्रूफ एनी मोर, सो आई एम जस्ट थिंकिंग टू यू नो लाइक रैप दिस थेल इसके ऊपर एंड देन जस्ट इसे रबर मैट्स यहाँ पे टाइट कर दूंगा, सो देन एटलीस्ट थोड़ा बहुत लाइक ऐसे ड्रॉप्स तो ये झेल ही लेगा। वैसे इतना ड्रॉप्स तो ये झेल ही सकता है, बट थॉट के फॉर सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेट्स यू नो जस्ट यूज़ दिस, बट लेट्स सी, मैं देखता हूँ कि लाइक यूज़ करूँगा कि नहीं। और अभी जैसे आशीष का फ़ोन आया, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट देयर होम, सो एक काम करता मैं आप लोग को सीधा प्रोकस में मिलता हूँ। एंड हियर वी गो, 6:55, बट देन परफेक्ट टाइम, एक्चुअली परफेक्ट नहीं कह सकता बट लेट कह सकते हैं। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सौरव के घर पे, वहाँ से वी विल डायरेक्टली लीव फॉर डेस्टिनेशन, जो मैं आपको पहुंच के दिखाऊंगा। और अगर आपको आई थिंक आज क्वालिटी थोड़ी सी कम, एक्चुअली थोड़ी नहीं बहुत कम लग रही होगी, उसका एक ही रीजन है बिकॉज, वेट थोड़ा एंगल ऊपर कर लूँ, ओके, तो उसका एक ही रीजन है बिकॉज मैंने आगे ये वाली पॉलीथीन दिखाई थी, जो मैंने आपको मेरे आई थिंक लास्ट या फिर लास्ट शॉट में दिखाया था। एक्चुअली बारिश तो अभी थोड़ी थोड़ी दिन में से टक 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 वाली टप 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 कह सकते हैं, बट देन मैं सोच रहा हूँ कि इसको आगे जाके निकाल दो, एज क्वालिटी नो आई कैन नॉट लाइक मैनेज विथ क्वालिटी। एक हद तक मैं प्रोकस के साथ ना, प्रोकस के साथ से कुछ मैनेज नहीं कर सकता, बट कोई ना। सारों के घर पे है और सेट टू गो, एंड आई जस्ट रियलाइज के वीडियो अब तक शूट हो रहा था फुल एच डी 30 FPS, अभी मैंने जस्ट उसको 60 FPS में ट्रांसफर किया, डन, अच्छे खासे फोटोज भी लिए जो आप लोग इंस्टाग्राम पे देखोगे, परफेक्ट ब्रो। इंट्रो दे देते पहले, नहीं देना, अरे दे दे भाई, क्या इंट्रो दे दे, कैसे कैसे भी दे दे। मेरा नाम सौरव है, मैं चौथी क्लास में पढ़ता हूँ, अभी मैं चौथी क्लास से पास हूँ। तो जाने वाले हम चार, तो आपको क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत डिफरेंस लग रहा होगा, बिकॉज मैंने जो इसके ऊपर अभी पॉलीथीन लगाई थी वो मैंने निकाल दी, बिकॉज बारिश थोड़ी बहुत, एक्चुअली थोड़ी बहुत तो नहीं, बट देन पूरी बंद हो गई है। सो और वैसे सौरभ का इंट्रोडक्शन कैसा लगा? He was just kidding. I just hate this kind of khabochias. Okay, and here we go. Officially and finally, wind chill bhi niche.
फॉर अ सेफर साइड इसको भी मैं ऐसे करूँ ताकि आप लोगों में से कोई कमेंट करके ना बोले कि लाइक यू नो आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस। क्या वेदर है बॉस, ऐसा लग रहा है गजब की बारिश गिरने वाली है। एंड परफेक्ट टाइम टू गो, राइट नाउ इट्स अराउंड 7:25 इन द मॉर्निंग। हम लोग का प्लान था कि वी विल लीव हियर फ्रॉम अराउंड 7 इन द मॉर्निंग, बट देन कोई नहीं, अच्छे खासे फोटोज भी आ गए। एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैंने मेरे हेलमेट को लॉक नहीं किया। ओके, वो आगे जाके कर लेंगे। और आई थिंक आई शुड लाइक यू नो, सो गाइस डोंट ट्राई दिस एट होम, ये मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की है इसलिए। या तो मैं मोटर व्लॉग करते हुए कई बार इन लोगों से पीछे रह जाता हूँ या फिर मैं चलाता है इसको, दो में से कोई एक रीजन होंगे। नाउ लेट मी जस्ट पहुंच जाऊं उनके पास। हम जाने वाले तो हम चाह रही है हम इसके बाइक को एक जगह पे ड्रॉप करके देन हम लोग जाएंगे। और स्पोर्ट्स या फिर नॉर्मल बाइक सब तो ऐसा भी हो गया है कि लाइक अगर आगे पानी वाला हो, लाइक आगे ऐसा पानी का खाबोचा और हम लोग पीछे से, मैं एग्जैक्टली एक बाइक के पीछे हूँ, तो अगर उससे पानी में से थोड़ी सी भी स्लो या फिर फास्ट उड़ाई तो पीछे ये इसके मडगार्ड की वजह से सारा पानी आएगा मेरे ऊपर। और एक बार तो बहुत गांधीनगर में क्या गजब का सीन हुआ था, लाइक पानी तो थोड़ा ही ना, पानी एक्चुअली बहुत था और मैंने उसमें से झूम करके 40-50 की स्पीड में से निकाली थी, सारा पानी आती यू नो ऑलमोस्ट मेरे मुंह से थोड़ा नीचे मतलब चेस्ट तक आ गया था सारा पानी और मैं पूरा भीग गया था। अगर आप में से कोई माउंट आबू टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर पे गया हो देन उन्हें पता होगा कि लाइक माउंट आबू का जो ऊपर चढ़ने का रास्ता है वो पूरा ऐसा एकदम सिंगल लेन है या फिर डबल लेन, आप लोग कुछ भी कह रहे हो, ऐसे पूरा गोल गोल गोल। और अभी बिल्कुल वैसा ही वेदर हो रखा है क्योंकि यू नो मैं चलो कभी आगे जाके फ्यूचर में कभी किसी रोज शाम को बताऊंगा कि लाइक। और मेरे हिसाब से आज तो ड्रोन शॉट्स आ सकते हैं, ये मैं पिछली बार भी डर में बोला था लेकिन बारिश देवता ने धोखा दे दिया और क्या कर सकते हैं। और हम लोग अभी आराम से मस्त स्पीड पे जा रहे हैं 50-60, कोई जल्दी जाने की, ये क्या है बे ऐसा, अच्छा मोर छोट के चुड़ैल उल्टी लटक रही हो, मुझे सही में पहले ऐसा लगा कि है क्या। आई थिंक मुझे अब वापस से मेरी पॉलिथीन वाले बैग इसमें लगाने पड़ेगी बिकॉज थोड़े बहुत ड्रॉप्स आना शुरू हो गए हैं। गुड टू गो, अब थोड़ी भगा के खींच के उन लोगों के पास, विंडशील नीचे एंड हियर वी गो अगेन, एकदम फुल जोश में जा रहे हैं आज तो। एक काम करते हैं, आप लोग एक दो शॉट्स एंजॉय करो, तब तक मैं जरा सीधे आपको हमारी डेस्टिनेशन या फिर जब भी वहां पे स्टॉप ले सीधा वहां पे मिलते हैं। आप लोग फिर तब तक शॉट्स एंजॉय कर लो। पहुंच गए अभी सौरभ आशीष वो लोग अंदर गए, इसके भाई को ड्रॉप करके हम लोग सीधे जाएंगे, पहुंचने के बाद बताऊंगा। अब मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन, 76 सब्सक्राइबर्स दो दिन तीन दिन पहले ही ख़त्म किए, पूरा पॉलीथीन पानी पानी हो गए। आई होप कुछ हुआ ना हो, एक बार खोल के देख ही लेते। और वो जो मैंने कहा था कि शॉर्ट्स लूँगा लेकिन नहीं हुआ बिकॉज अब इसके भाई को यहाँ पे ड्रॉप करना था और उसके बाद हम लोग नॉन स्टॉप निकल जाएंगे हमारी डेस्टिनेशन के लिए। होगा होगा, और एक बूंद भी पानी नहीं। अब इधर से दो तीन थैली और ले लेते वरना ये कहीं कुछ हो गया तो लग जाएंगे बुरे तरीके से। And here we have reached. So हम आए हैं
सावली में और अभी जा रहे ऊपर यहाँ पे बस दर्शन करने के लिए, उसके बाद वील गो थेर, प्रोबेबली वील गो थेर। बट छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने कहा था कि हेलमेट लॉक चाहिए था, बट देन वो नहीं मिला मुझे रास्ते में कहीं भी, सो अभी हेलमेट ऐसे ही रास्ते में छोड़ दिया। इट मीन्स ऑन द बाइक अच्छा खासा लॉक करके, बट स्टिल, बट यू नो फील्स लाइक अ पर्सनल प्लेस, कोई है ही नहीं हमारे अलावा।